जो प्रेशर है और वॉल्यूम है जो इन बल्ब का वो दिया हुआ है द बल्बस आर कनेक्टेड पाइप ऑफ जीरो वॉल्यूम ओके ना ये है कि बस इनका जो वॉल्यूम है ये है जीरो वॉल्यूम है द स्टॉप कॉक्स आर एंड द इज थ्रू आउट कैप्ट प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी नौ देखिए ये कंसेप्ट डिपेंड करता है कि जो इस बल्ब में इस गैस के नंबर ऑफ बोल्स हैं लेट जस्ट सपोज एन सी एच फोर सिमिलरली इस बल्ब में, ये जब है जब मैंने स्टॉप कॉक लगाया हुआ है तो इधर और इधर एन सी ओ टू और एन एन ई करेक्ट जब ये कॉक हटेगी तो जो नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस के जैसे इसमें ये गैसेस के मोल्स हैं ये इसमें है, तो जब ये कंप्लीटली एक बंडल बन जाएगा जब पूरे हट जाएंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इधर गैस के वे हो जाएंगे एनसीएच फोर एन सी ओ टू एन एन ई ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा समझ में आया अगर आप इसको गौर से देखें जब मुझे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किया गया है तो पीवी इक्वल टू एनआर प्रेशर पूछा हुआ है ठीक है, है, है और अगेन अगर वी को आपको कैसे पता लग गया इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम करेक्ट थ्री प्लस टू प्लस, प्लस फोर आइट इक्वल्स टू नाइन ये क्या हो जाएगा टोटल जो वॉल्यूम है आपका नाइन का है लीटर्स ओके okay, सो so बस इसी तरह से आपको निकालना लें नंबर ऑफ मोल्स नो अगर एन देखे इधर दे, तो पी वी अपॉन आर टी हो जाता है तो तीनों के तीनों के गैसेस के रख लेते हैं इधर तो एन सी एच फोर का क्या हो जाएगा प्रेशर इज टू वॉल्यूम इज टू डिटी प्लस एनसीओ टू का क्या हो जाएगा प्रेशर इज फोर वॉल्यूम इज थ्री डिवाइड बाई आर टी प्लस सिमिलरली एन ई का क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यून प्रेशर इंटू थ्री फोर अपॉन आर टी राइट ये है टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम करेक्ट गाइज तो ये हो जाएगा एनआरटी ये आर टी पूरा इधर आ गया इक्वल्स टू टू फोर प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व राइट और ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी एट तो एनआर टी वैल्यू हो गया आपकी ट्वेंटी एट सिमिलरली अब मैंने क्या बताया था आपको टोटल वॉल्यूम के बताना है पी टू एनआरटी अगेन वही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या था नाइन लीटर्स सो पी इन टू नाइन टू हो गया ट्वेंटी एट तो पी टू हो जाएगा ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नाइन राइट right, so तो थ्री पॉइंट वन वन नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है तो अप्रोक्स आपका हो जाएगा थ्री एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट डिपेंड था और काफी बार इस क्वेश्चन पे इस टॉपिक पे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन काफी रिपीट हो चुके हैं दैट इज वाई वी डू प्रीवियस क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छे कंसेप्ट डिपेंड है देखिए आर इन द फॉलोइंग गैस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वर्ल्ड कॉन्स्टेंट ए ये चारों गैसेस दी गई हैं और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वॉन्डर वर्ल्ड कॉन्स्टेंट का देखिए जो ये वॉन्डर वर्ल्ड कॉन्स्टेंट होता है आपका ऑब्वियसली वॉन्डर इक्वेशन में ये मेजर होता है आपका अट्रेक्टिव इंटरमोलिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स जैसे कर, मैं अगर मैं आर्गन की बात कर लू आर्गन के सपोज ये मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होंगी राइट वो कितनी स्ट्रोंग है या कितनी वीक है वो आपके डिपेंड करता है आपके वॉल्ड कॉन्स्टेंट पर नाउ अगेन एक बात ध्यान रखें जो ये वॉन्ड्रोवॉल कॉन्स्टेंट होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है उसी पे पर डिपेंड करती है ऑफ हैमोलिकुलर फोर्स कुछ वीक लंडन डिस्पर्जेंट फोर्सेज होती हैं राइट right? कुछ वीक वॉन्ड्रोवॉल फोर्सेज होती हैं कुछ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है तो इसी पे आपको डिपेंड करना है और आप इसके अकॉर्डिंग देखना है तो मैंने कहा कि जो वंडरवालस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट डायरेक्टन होगी आपकी फोर्सेस के ठीक है ना अगर इन सबको मैं फोर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं तो मेरा ए का वही ऑर्डर बन जाएगा तो देखिए देखिए अब ये देखे, जो आर्गन है आर्गन एक नोबल गैस है विद वीक वॉल्व फोर्सेस ठीक है तो क्योंकि ये नोबल गैस है और वीक वॉल्ड वीकेस्ट विंडरवॉल्व फोर्सेस होती है तो इसमें सबसे कम क्या होगा आपका इंटरमोलिक फोर्स ठीक है दूसरा है आपका सी एच फोर देखिये सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है कुछ स्पेशल नहीं है कुछ ज्यादा अट्रेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है इसमें तो सिंपल एक सी है चार कार्बन है इसमें क्या है लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस होती है और इसका क्या है जो लंडन फोर्सेस फोर्सेज कुछ स्लाइटली हायर स्ट्रोंगर होती है देन वनडरवॉल्व फोर्सेज ठीक है ठीक है तो सी एच फोर ठीक है अब देखिए तीसरा है एच टू एच टू ओ एंड सी एच सिक्स अब ये देखिए ये बहुत अच्छा केस है वी नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सॉरी एच टू में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जब इंटर मोलिकूल फोर्सिस की बात हम करते हैं अगेन सी एच सी एक्स सिक्स का जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरह हो गया राइट ना सी एच सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको एच टू का गाइज आई होप पता होगा लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ जैसे गाइज ये एच टू मोलिक्यूल होते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ओके सिमिलरली अगर आप इसमें देखें ये जो आप, बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर है इस तरह का पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है तो इसमें बेसिकली आपका जो इंट्रेक्शन तो हो रहा है एंड लंडन डिस्पर्जल फोर्सेस आपके काम कर रही हैं आपके जब भी कोई मॉलिक्यूल के बीच में हम बात कर रहे हैं ठीक है ना इसमें कैच है हालांकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग होती है बट क्या होता है कि वैन जब मल्टीपल बोन्ड की बात हो रही होती है ना जैसे इसमें मल्टीपल बोन्स तो तो जो मल्टीपल बोन्ड होते हैं उन केसेज में जो पाइपाई इंट्रेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रोंगर हो जाता है ये आपकी बात प्रूव भी होती है जब आप इनकी वैल्यूज देखते हो एक्चुअल की आपको एनसीआरटी में मिल जाएगी ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ये सी एच सी सिक्स इस केस में हाइड्रोन से हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इसी वजह से इस केस में ये स्ट्रोंगर हो जाता ठीक है थीके? तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर थ्री इज योर करेक्ट आंसर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ए गैस इज एट प्रेशर नाइन फोर्टी पॉइंट थ्री एम जी द प्रेशर एट विच द वॉल्यूमी परसेंट इज देखिए इसमें सिंपल क्या है कि, example, आपकी इसमें गैस है ये ठीक है और इसमें जो प्रेशर लगा हुआ है कहा है, है कि वो क्या प्रेशर होगा जब इसका जो वॉल्यूम है ये रह जाएगा यानी ये वी फाइनल है और ये क्या है कि डिक्रीज इज बाई फोर्टी परसेंट तो ये जो आपको फाइनल जो होगा वो बताना है करेक्ट तो लेट जस्ट सपोज गाइज जो आपका वी इनिशियल था वो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड था हंड्रेड 100, कुछ भी यूनिट यूनिट्रेड वी फाइनल डिक्रीज बाई जो है बाद में प्रेशर बढ़ाने के बाद डिक्रीज हो गया तो फाइनल क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस फोर्टी टू हो गया आपका सिक्सटी समझना सिंपल इजी कंसेप्ट हो गया so constant, तो सिमिलरली बिकॉज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट तो वी नो पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ एंड वी एफ

तो इसको आप कैसे कर लेते हो वन फाइव सिक्स सेवन इज योर फाइनल आंसर ठीक है अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि मैंने हंड्रेड क्यों माना और वो माना आप सिंपल मैथ्स भी लगा सकते हो कैसे देखिए लेट जस्ट सपोज कि आपका जो पी इनिशियल वी इनिशियल और पी फाइनल वी फाइनल तो ये हो गया तो वी फाइनल क्या हो गया कि वी इनिशियल में से मैंने फोर्टी परसेंट इसका डिक्रीज कर दिया ये हो गया आपका ठीक है हो ये हो गया सिक्सटी वी आई अपॉन हंड्रेड ठीक है और वही सिक्स बाई टेन या थ्री बाई फाइव लगभग हो गया ठीक है सिमिलरली फॉर्मूले में लगा दो पी आई वी आई टू पी एफ वी एफ और पी आई है नाइन फोर्टी पॉइंट थ्री इंटू वी इनिशियल क्या हो गया वी इनिशियल ही है पी फाइनल आपको निकालना है वी फाइनल आपका वी वी आई के टर्म्स में आपने निकाल लिया सिंपल वही कंसेप्ट वही चीज आ गई नाइन फोर्टी पॉइंट थ्री इन फाइव बाई थ्री करेक्ट और सिमिलरली ये भी वही वैल्यू आ, आ जाएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया इज योर करेक्ट आंसर आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट सिक्स हंड्रेड कैलविन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस एक्स इसका मोलर मास दिया हुआ है इज इक्वल टू

इसमें जो टेम्परेचर जो देखे आर कॉन्स्टेंट है थ्री कॉन्स्टेंट है एम की वैल्यू दी दीवी है सिक्स हंड्रेड कैलविन ठीक है इज इक्वल टू यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस वाई एट नाइनटी कैलिन ये कंडीशन दी हुई है तो वैल्यू रख लीजिए थ्री इंटू आर तो कॉन्सेंट तो हो गया टेम्परेचर सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई एम क्या दिया हुआ इसका फोर्टी टू अगेन टू इंटू आर टेम्परेचर क्या हुआ इसका नाइनटी डिवाइड बाई एम हमें निकालना है देखिए अब ये तो हमने हटा दिया स्क्वायर कर दू दोनों साइड तो ये हट जाएगा ठीक है आर से आर गया ठीक है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर आपका टू इंटू नाइनटी इंटू फोर्टी डिवाइड बाई थ्री इंटू सिक्स हंड्रेड पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एम इक्वल टू फोर कैलकुलेट करना एक बार। है? So, इसका क्या हो गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रियल गैस ऑक्यूपाइज ऑफ पॉइंट वन फाइव डीएमड ए टी एम एंड फाइव हंड्रेड कैलविन वन इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज वन पॉइंट जीरो सेवन अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है पी दिया हुआ है टी दिया हुआ है और कम्प्रेसिटिविली फैक्टर यानी जेड दिया हुआ है इट्स वॉल्यूम एट 300 हंड्रेड एटीएम थ्री हंड्रेड कैलवीन इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इज सिंपल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस क्या होता है जेड इक्वल टू पी वी अपोन एन आर टी राइट ना हो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एन इक्व टू पी वी अपोन जेड आर टी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे दोनों केस में ऑब्वियसली ना अब देखिए मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा भी रहा हूँ घटा रहा हूँ कुछ भी करूं जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है डिग्रीज हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मेरे सेम रहेंगे तो मैं क्या कहूंगा एन इक्व टू पी वी एप जेड आर टी अब दोनों केसेस में जो पहला केस है और दूसरा केस है इक्वल कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी तो सिमिलरली अब फर्स्ट केस में क्या है पी दिया हुआ है आपका हंड्रेड वी दिया हुआ है आपका जीरो पॉइंट वन फाइव डीएम क्यू भी रखते हैं क्योंकि मेरा इधर जो आंसर है वो भी डीएम क्यू में ही पूछा हुआ है ठीक है और और अब डिवाइडेड क्या दिया हुआ है आर कॉन्स्टेंट में जरूरत नहीं है दोनों साइड में डिवाइड कट जाएगा एंड टेम्परेचर इज आपका फाइव हंड्रेड और इधर क्या हो गया हंड्रेड सॉरी आपका ये थ्री हंड्रेड हो गया ए टी एम फ्रेशर देखिये ए टी एम इधर था एटीएम इधर तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है ठीक है और डिवाइडेड बाई एन सॉरी जेड क्या है आपका इधर वन पॉइंट फोर दूसरे केस में और आर हो गया और टेम्परेचर क्या दिया आपका थ्री हंड्रेड समझ में तो इस अब देखिए इस वी को निकालना है इससे ये कट गया ठीक है तो ये पूरे के पूरे को जब आप सोल्व करोगे गाइज तो वी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इसमें थ्री नाइनटी टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ओके सो तो इस तरह से आपका निकालना है बस कैलकुलेशन है गाइज ठीक है सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे इसमें यही थे इतने और कुछ और क्वेश्चन होता है गाइज आपको पता ही है कि जेई में एक दो टॉपिक अगर इन होते थे तो कुछ मिस हो गया आपका वो मैं आपके दूसरे चैप्टर में पक्का ले लूंगा अगर ऐसा है तो नहीं तो आप मुझे बता दें मैं आपको वीडियो बना के उसको अलग से डाल सकता हूँ मेरा जो दूसरा चैनल है आंसर एक्सपर्ट उसमें क्योंकि मैं अलग अलग जो क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो डालता हूँ ठीक है थैंक यू गाइज सब्सक्राइब करें अगर गाइज आपने नहीं किया है प्लीज़ इसके बहुत हेल्प मिलती है बाय